नमस्ते दोस्तों, डीडी मास्टर का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैडम शुभ, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे अपस्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपस्टॉक्स पे कैसे नया एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और दोस्तों कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसी के बारे में दोस्तों आज का ये बड़ा वीडियो है। दोस्तों अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर दोस्तों नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे अपस्टॉक आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको फ्री में डीमैट अकाउंट बनाने का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपके जो ब्रोकरेज है तो वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग जब अकाउंट क्रिएट करो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स वगैरह चलते हैं और आपको कूपन कोड भी दिया जाता है, तो दोस्तों आप लोग उसको अप्लाई करके यहाँ पे और भी ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि हम लोग कैसे अकाउंट को क्रिएट करेंगे, अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होते हैं और दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो भी सारा प्रोसेस है उसको कैसे सही तरीके से कंप्लीट करोगे, उसी के बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों अगर वो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देख के अपना जो डीमैट अकाउंट है उसको क्रिएट कर सके। और दोस्तों अगर आप लोग नए हमारे यूट्यूब चैनल में तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके जो ऊपर में ऑल नोटिफिकेशन होता है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो कि दोस्तों जो भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अपस्टॉक्स पे अकाउंट खोलना बहुत ही इजी है। आप लोग सबसे पहले एक काम कर लीजिए, आप लोग यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है और दोस्तों आपका जो पैन कार्ड है और दोस्तों आप लोग एक कागज पे सिग्नेचर करके उसकी एक तस्वीर ले लीजिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपके पास आपका जो मोबाइल नंबर है, मतलब कि जिसमें आपका आधार कार्ड रजिस्टर है, वो मोबाइल नंबर आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ये जो चार चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ये चार चीजें आपको सबसे पहले करेक्ट कर लेनी है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और दोस्तों उसके बाद एक कागज पे आपको सिग्नेचर कर लेना है और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, मतलब कि जिस नंबर पे आपका आधार कार्ड रजिस्टर है वो नंबर आपको यहाँ पे चाहिए होगा। ये चारों चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप लोग बहुत ही आसानी से आप स्टॉक पे अकाउंट खोल सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप लोग कमोडिटीज़ में और दोस्तों जो फ्यूचर ऑप्शन है अगर आप लोग उसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा से दो डॉक्यूमेंट्स और देने होंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग आईटी रिटर्न्स के अगर आपके पास फाइल्स होती है आप वो भी दे सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग अपनी सैलरी स्लिप जो होती है उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको आपका जो बैंक का कोई प्रूफ देना होगा, जैसे कि दोस्तों आप लोग बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हैं या फिर आपके पास अगर कैंसिल चेक होता है तो आप लोग उस कैंसिल चेक को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे सीधे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों इसके बाद वीडियो के नीचे जो लिंक मैंने दिया है अपस्टॉक एप्लीकेशन का, उसको क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अपस्टॉक को डाउनलोड कर लोगे और इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो स्क्रीन आएगा वहाँ पे नीचे आपको क्रिएट अकाउंट का बटन मिल जाएगा, तो इस क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने का ऑप्शन आएगा, तो ठीक है आप लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों ही डाल दीजिए ठीक तरीके से। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को देख के आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद साइन अप बटन पे क्लिक कर दीजिए। साइन अप बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ पे दोस्तों आपको आपका जो पैन कार्ड है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये दोनों चीज़ें आपको डालनी है। तो आप लोग अपने पैन कार्ड को देख के यहाँ पे ठीक तरीके से अपना नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल दीजिए। डालने के बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, बस उसको आपको यहाँ पे स्किप कर देना, मतलब कि आपको वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। यहाँ पे ये लिखा हुआ कि आप को किसी ने अगर रेफर किया है तो आप लोग उसका नाम टाइप कीजिए, तो आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं, आप लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे दोस्तों आपको यहाँ पे आपके जो जेंडर है वो आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, और उसके बाद आपकी एनुअल इनकम कितनी है, और दोस्तों आप लोग यहाँ पे कितना ट्रेड आप लोग कर लोगे एक साल में, तो वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेड करने का एक्सपीरियंस कितना है, मतलब कि अगर आप लोग बिल्कुल नए हो तो आप लोग पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, लेस देन 1 ईयर का। और उसके बाद नीचे आपको और भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर आप लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो या फिर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो तो आप लोग उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, यस कर सकते हो या फिर नो कर सकते हो। अगर आप नहीं हो, जैसे कि मैं नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आओगे आप लोग तो आपको और दो तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन क्या, मतलब कि आप लोग काम क्या करते हो, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
उसके नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ये सब नो सिलेक्ट करना होता है कि आप लोग यहाँ पे इंडिया के अलावा अगर किसी दूसरे कंट्री में अगर आप लोग टैक्स देते हो तो वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप लोग नो कर दीजिएगा। और उसके नीचे आपको यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि यहाँ पे एक चेकबॉक्स का ऑप्शन होता है, तो आप लोग उसको टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख जाएंगे, एक तो है इक्विटी और दूसरा है फ्यूचर ऑप्शन और तीसरा है कमोडिटीज। यहाँ पे दोस्तों आप लोग जिस किसी फील्ड पे ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप लोग इक्विटी पे ट्रेड करना चाहते हो, जो फ्यूचर ऑप्शन उसमें ट्रेड करना चाहते हो, तो दोस्तों वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी होगी। दोस्तों वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पे दो प्लान दिख जाएंगे, एक है बेसिक और जो प्रायोरिटी प्लान होता है, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है जो कि लेवरेज का डिफरेंस है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल नए नए हो तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप लोग बेसिक से शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि उससे आपका काम नहीं हो रहा है तो बाद में आप लोग प्रायोरिटी में जा सकते हैं, और आप लोग बेसिक से स्टार्ट कीजिए। और उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन है, अगर दोस्तों आपके पास कोई कूपन कोड होता है तो आप लोग उसको अप्लाई कर दीजिए, तो उससे रिगार्डेड जो भी बेनिफिट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे दोस्तों आपको बोला है कि आपने यहाँ पे एक स्टॉक फ्री स्टॉक जीता है, तो आप लोग इसको यहाँ पे येस कर दीजिएगा। येस करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों आप लोग येस पे क्लिक कर दीजिए। येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका जो अकाउंट के डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको डालने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग आपका जो भी अकाउंट होगा वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए, वो करंट हो सकता है या फिर सेविंग्स हो सकता है, जो भी आपके पास होता है आप लोग वो अकाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। अकाउंट डालने के बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, तब लोग उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से उसकी एक तस्वीर ले सकते हैं और उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको आपका जो सिग्नेचर होता है उसको अपलोड करना है, और दोस्तों नीचे आपको आपका जो इनकम प्रूफ है उसको अपलोड करना होता है। इनकम प्रूफ के तौर पर आप लोग यहाँ पे आपकी जो सैलरी स्लिप होती है उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर ITR फाइल है, मतलब कि इनकम टैक्स की अगर फाइल होती है, तो दोस्तों आप लोग उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपका जो ईमेल होता है उसको आपको वेरीफाई कर लेने, आप लोग यहाँ पे आपने जो भी ईमेल दिया होगा उस पर एक OTP जाएगा, तो आप लोग उस OTP को यहाँ पे डाल दीजिए। OTP को डाल के अपना ईमेल जो होता है उसको वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लान सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के प्लान होते हैं, पर दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो नीचे वाला जो लाइट और फ्री वाला जो प्लान है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कई बार ऑफर वगैरह चलते हैं जहाँ पे दोस्तों आपको जो प्रीमियम प्लान होते हैं वो आपको फ्री में मिल जाते हैं, एक महीने के लिए या फिर दो महीने के लिए, तो वो यहाँ पे चेंज होता रहता है। और दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे आपको जो नीचे वाला ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपका जो आधार कार्ड है उसमें अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं है तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगर दोस्तों होता है तो उसको येस कर लीजिए, और अगर नहीं होता है तो नो कर लीजिए। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे आपके आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक है, जैसे कि मेरा है। और दोस्तों अगर नहीं होता है तो आप लोग उसको आसानी से लिंक करवा सकते हैं किसी भी आधार एनरोलमेंट सेंटर पे जाके, और उसके बाद आप लोग अब स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको येस कर दीजिए। येस करने के बाद आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको आपका जो आधार कार्ड है उसको यूज करके एक ई साइन वेरिफिकेशन करना होता है। आप लोग यहाँ पे ई साइन वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ देर वेट करना है, यहाँ पे कुछ डाउनलोडिंग करके एक ऑप्शन आता है, और उसके बाद दोस्तों आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे एक बटन मिल जाता है ई साइन नाउ करके, उस पर आपको क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक पेज आएगा जहाँ पे दोस्तों आपका नाम लिखा होगा, और ई साइन गेटवे करके एक ऑप्शन होगा, उस पर आपका गेटवे जो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप लोग उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का एक चेकबॉक्स होता है, उसको टिक करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको इस पेज पे लाया जाएगा, या फिर दोस्तों आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन होगा उसको टिक करने के बाद आपको आपका जो आधार कार्ड नंबर है यहाँ पे डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप लोग सेंड OTP बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा आधार कार्ड में, उस पर एक OTP जाएगा। OTP को आप लोग यहाँ पे डाल के उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही दोस्तों यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों अभी आपको क्या करना है, आपको एक दिन या फिर दो दिन तक वेट करना है, और दोस्तों उसके बाद आपको आपका जो लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक SMS आ जाएगा, जिसमें वो आपके जो लॉगिन करने के जो डिटेल्स होंगे वो आपको वहां पे दे दी जाएंगे।
तो सो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे अपस्टॉक्स पे बहुत ही आसानी से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और दोस्तों आप लोग यहाँ पे आसानी से ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो मेरे से तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और लोग मेरा जो फेसबुक ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग नए हो मेरे यूट्यूब चैनल में तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा।